हमने जो भी प्राइस स्ट्रेटजीज डिस्कस की हैं अभी वो डिस्काउंट ओरिएंटेशन है प्राइस ओरिएंटेशन के ऊपर है कंपटीशन ओरिएंटेशन के ऊपर है कॉस्ट ओरिएंटेशन के हवाले से जो भी स्ट्रेटजीज अभी डिस्कस की हैं हम उसकी इंटीग्रेशन को क्विकली रिव्यू करते हैं ताकि हमें एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आए कि वाकई हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है इस पर्टिकुलर परस्पेक्टिव में या नहीं है सो इंटीग्रेशन ऑफ अप्रोचेज़ टू pricing strategy because after identifying and selecting the price strategy you have to integrate it with the whole concept to sabse pehle hamare paas jo question hai oh, wo if prices are reduced will revenue increase greatly ye jo impact hai ye jo question hai ये किस तरफ translate कर रहा है कौन सी approach को translate कर रहा है तो अगर आप understand करें ये pricing की Uh, की क्वांटिटी के साथ रिलेशनशिप को बात करें कि अगर प्राइसेस रिड्यूस की जाएंगी तो अल्टीमेटली टर्नओवर इंक्रीज हो जाएगा तो इट इज अबाउट द डिमांड ओरिएंटेशन यहाँ पे स्पेल आउट कर दिया गया है कि इट इज अबाउट डिमांड ओरिएंटेशन सो इफ द प्राइसेस आर रिड्यूस्ड अल्टीमेटली द टर्न विल इंक्रीज इफ द प्राइस आर इंक्रीज अल्टीमेटलीवर विल रिड्यूस्ड सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं विच इज अबाउट शुड डिफरेंट प्रोडक्ट प्राइसिस बी चार्ज फॉर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन निगोसिएशन विद कस्टमर्स सीजनेलिटी एंड सो ऑन. तो अगर तो कस्टमर की प्राइसिंग जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ निगोसिएशन विद अ कस्टमर हो अगर वो सीजनैलिटी की बेस के ऊपर हो या इसी तरह के किसी और फैक्टर की बेसिस के ऊपर हो तो उस सूरत में ये कौन सी अप्रोच है कौन सी स्ट्रेटी है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं अगेन ये एक एग्जाम्पल है डिमांड ओरिएंटेशन की बिकॉज आप कस्टमर को जहन में रख रहे हैं कस्टमर के परस्पेक्टिव को जहन में रख रहे हैं कस्टमर से निगोशिएट कर रहे हैं इस सीजनैलिटी फैक्टर को कंसिडर में रख रहे तो को को कर रहे हैं तो एक्चुअली आप कस्टमर को सामने रखते हुए डिमांड ओरिएंटेशन को फोकस करें थर्ड लेवल के ऊपर जो डिस्कशन है जो थर्ड स्टेटमेंट है विल अ गिवन प्राइस लेवल अलाउ अ ट्रेडिशनल मार्कअप टू बी अटेंड अगर हम बात करेंगे तो एक जो प्राइस लेवल है उसके ऊपर क्या मार्कअप जो है वो एक रिटेलर अर्न कर रहा है क्या वो ट्रेडिशनल मार्कअप जो है वो अर्न कर रहा है तो ये अप्रोच क्या है इफ़ इट इज अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सर्टन आर्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन प्राइस लेवल तो इट इज ऑल अबाउट द कॉस्ट ओरिएंटेशन कॉस्ट ओरिएंटेशन के अंदर हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग की बात कर रहे हैं कॉस्ट ओरिएंटेशन के अंदर हम बात कर रहे हैं कि उससे एसोसिएटेड कितना मार्कअप है कितना मार्जिन है जो कि एक रिटेलर अर्न कर रहा है या कर सकता है वो हमारे पास कॉस्ट ओरिएंटेशन की एक अच्छी एग्जाम्पल है इसी तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट प्राइस लेवल इज नेसेसरी फॉर अ प्रोडक्ट रिक्वायरिंग स्पेशल कॉस्ट इन परचेजिंग इन सेलिंग इन डिलीवरी एट्सट्रा तो हमारे पास कौन कौन सी ऐसी अगर कोई स्पेशल कॉस्ट को इंकर हो रही है किसी प्रोडक्ट के ऊपर बेशक वो प्रोडक्ट को ख़रीदने की कॉस्ट है बेशक वो प्रोडक्ट को बेचने की कॉस्ट है बेशक वो प्रोडक्ट की इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है बेशक वो प्रोडक्ट की डिलीवरी की कॉस्ट है तो किसी भी हवाले से जो कॉस्ट इंकर हो रही हैं हमारे पास प्राइस लेवल के को सेट करने के लिए तो अगेन बिकॉज इट इज अ डिस्कशन अबाउट द कॉस्ट सो दिस प्राइस स्ट्रेटजी इज अबाउट कॉस्ट ओरिएंटेशन तो एक्चुअली रिटेलर जो है वो कॉस्ट ओरिएंटेशन को फॉलो कर रहा है इस तरह की अप्रोच के अंदर फिर व्हाट प्राइस लेवल्स आर सेटिंग बाय द कंपेटिटर्स ये कंपटीशन कौन से प्राइस लेवल्स को सेट कर रहा है अगर मैं इस स्टेटमेंट को देखता हूं तो आई कैन वैल्यूएट बिकॉज माई अप्रोच इज टू वर्ड द दम्पैटिटर इज डूइंग तो वट आई एम फॉलोइंग इज द दटेटर या कम्पैटिटिव ओरियंटेशन जो कि हमारी थर्ड अप्रोच थी कि जहाँ पर दिस स्ट्रैटी की जहाँ पर आप कंपेटेटर को कंसिडरेशन uh, में रखते हैं प्राइसिंग डिसीजन करते वक्त फिर हमारे पास लास्ट uh, एग्जांपल हमारे पास है कैन अबव मार्केट प्राइसेस बी सेट ड्यू टू सम सुपीरियर इमेज ड्यू टू सम पैटर्न ड्यू टू सम स्टोर इमेज क्या कोई कस्टमर प्राइसिंग ऐसी है कि कोई प्राइस लेवल ऐसा है जो कि आप अपने इमेज की वजह से यू कैन सेल इनटू द मार्केट द गुड प्राइस लेवल और मे बी स्लाइटली हाई प्राइसेस एज कंपेयर टू द मार्केट तो यस ये अगेन कंपेटिटिव ओरिएंटेशन है क्योंकि आप कंपटीशन को सामने रख रहे हैं और वो जो स्लाइटली हायर की बात हो रही है दैट इज एज पर दी कॉम्पिटिशन एज पर योर इमेज विद द कम्पेटिटर इफ़ द कम्पेटिटर इज एन अनऑर्गनाइज सेक्टर एंड यू आर अनऑर्गेनाइज सेक्टर इस सूरत के अंदर यू कैन टेक एन एडवाटेज ऑफ सम ओवर योर कम्पैटिटर बिकॉज यूर इमेज इज बेटर दैन द कॉम्पिटिशन तो ये अप्रोच हमारे पास कंपेटिटिव ओरिएटेशन की है तो यहाँ पर हमने कॉस्ट ओरिएंटेशन की एग्जाम्पल भी डिस्कस की है हमने यहाँ पर डिस्काउंट uh, ओरिएंटेशन uh, की एग्जाम्पल भी डिस्कस की है और यहाँ पर हमने कंपेटिटिव ओरिएंटेशन की एग्जाम्पल भी डिस्कस की है हम आगे की तरफ चलते हैं और डिस्कशन में लेके आते हैं उस चेकलिस्ट को ऑफ सेलेक्टेड आइटम्स जो कि प्राइसिंग डिसीजंस को हमारे पे इम्पैक्ट करता है तो जो सबसे पहली बात हमारे पास है दैट इज हाउ इम्पॉर्टेंट इज प्राइस स्टेबिलिटी प्राइस स्टेबिलिटी के परस्पेक्टिव की बात हो रही है एंड हाउ लॉन्ग शुड प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या मार्केट में प्राइस की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है या प्राइस स्टेबल है और अगर स्टेबल है तो कितने अरसे तक आपने उस प्राइस को मेंटेन रखना है ताकि एक रिटेलर ये इंश्योर कर सके कि मैं क्या लॉस कर रहा हूँ या मैं कितना लेस मार्जिन अर्न कर रहा हूँ या मैं कितनी देर तक ये मार्जिन अर्न करूँगा तो प्राइस स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन द चेकलिस्ट जो कि प्राइसिंग डिसीजन में हमें हेल्प करता है एज ए रिटेलर फिर उसके बाद इज एवरी डे लो प्राइसिंग डिजायरेबल जिस तरीके से वॉलमार्ट और अदर बड़े स्टोर जो हैं वो ई डी एल पी के कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं विच इज एवरी डे लो प्राइस तो क्या वो एवरी डे लो प्राइस का कॉन्सेप्ट जो है वो डिज़ायरेबल है उस कंट्री के अंदर उस स्टेट के अंदर उस प्रोविंस के अंदर उस सिटी के अंदर उस टेरिटरी के अंदर अगर वो डिजायरेबल है ऑफकोर्स यू हैव टू सेट प्राइसिंग अकॉर्डिंगली सो रिटेलर को यह वैल्युएट करना है कि वहां पर लो प्राइसिंग की डिजायर है या नहीं है नेक्स्ट पॉइंट है शुड प्राइस चेंजेस इफ कॉस्ट और कस्टमर डिलीवरी डिमांड वेरी क्या प्राइस चेंज जो है वो होगा अगर कॉस्ट में इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा या कस्टमर की डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज आएगा क्या उससे प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट होता है या नहीं होता तो अकॉर्डिंगली रिटेलर विल मेक

प्राइसिंग डिसीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा पॉइंट देन शुड कस्टमर बार्गेनिंग भी परमिटेड जिस तरीके से आप ऑब्जर्व करते हैं ओपन मार्केट के अंदर कि कोई भी कस्टमर जब जाता है तो वो बार्गेन करता है विद द रिटेलर बेशक वो एक रेडी वाला हो बेशक वो एक कन्वीनियंस स्टोर हो बेशक वो एक अच्छा स्टोर हो तो कस्टमर की बार्गेनिंग जो है वो करता है तो आपको ये देखना है क्या द बार्गेनिंग इज परमिटेड इन द स्टोर और नॉट और अकॉर्डिंगली यू विल सेट योर प्राइसिंग क्या ऑर्ड प्राइसिंग विच इज सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन रुपीज वाला कॉन्सेप्ट या आप कैसे सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइनटी नाइन सिक्स नाइन नाइन्टी नाइन सो ऑर्ड प्राइसिंग शुड भी यूज और नॉट डिपेंडिंग ऑन द कल्चर ऑफ द कंट्री आप ये डिसाइड करते हैंडिंगली यू एक्ट शुड लीडर प्राइसिंग भी यूटिलाइज टू ड्रॉ कस्टमर ट्रैफिक इफ यस शुड लीडर प्राइसिज भी अब और बिलो कॉस्ट सो प्राइस लीडरशिप के केस के अंदर अगर वो कस्टमर uh, ट्रैफिक को ड्राइव कर रहा है तो उस सूरत में आप नहीं देख रहे हैं क्या वो आपकी कॉस्ट से कम है आपकी कॉस्ट से ज़्यादा है एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक दैट डिसीजन सो शुड कस्टमर्स और कंज्यूमर्स बी ऑफर्ड डिस्काउंट फॉर परचेजिंग इन क्वांटिटीज क्या बल्क uh, क्वांटिटीज़ के ऊपर कस्टमर को कोई बेनिफिट मिलना चाहिए इफ़ यू बाय वन यू विल पे टेन रुपीज़ इफ़ यू बाय थ्री यू कैन पे नाइन सो विच डिस्काउंट की फैसिलिटी ऑन क्वानिटी परचेज वुड बी अलाउड और नॉट देन शुड प्राइस लाइनिंग बी यूज टू प्रोवाइड अ प्राइस रेंज एंड प्राइस पॉइंट विद इन दैट रेंज अगर ये फैसिलिटी होगी फॉर एग्जाम्पल कस्टमर के पास हर तरह की क्वालिटी हर तरह की प्राइस हर तरह की प्राइस uh, रेंज अवेलेबल हो तो क्या आप ये ऑप्शन रखना चाहते हैं एज ए रिटेलर या आप इस ऑप्शन को कैरी नहीं करना चाहते और फिर लास्ट पॉइंट हमारे पास चेकलिस्ट के अंदर है जो कि हेल्प करता है प्राइसिंग डिसीजन के अंदर दैट शुड प्राइसिंग प्रैक्टिस वेरी बाई डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट लाइन आईडल यू विल यूज द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एज पर दी सेम प्रोडक्ट लाइन क्या वो ऑयल कैटेगरी के ऊपर की कैटेगरी के ऊपर सेम प्रोडक्ट लाइन के ऊपर हम बात कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात करें या ओवरऑल स्टोर के हवाले से हमें वो प्राइसिंग प्रैक्टिस को फॉलो करना है सो व्हाट शुड बी द प्रैक्टिसेस वीट शुड बी फॉलो बाय डिपार्टमेंट बाय प्रोडक्ट लाइन हमें उसको स्पेसिफाई करना है तो यहाँ पर हमने इस चेकलिस्ट में वो तमाम पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए जो कि रिटेलर को प्राइसिंग डिसीजन लेने में हेल्प करता है और अगर रिटेलर्स के पास इन क्वेश्चन के आंसर हैं ही कैन ईजीली स्पेसिफाई एंड डिवेलप इस अपनी प्राइस स्ट्रेटजी को ताकि जो कि कस्टमर के लिए बेनिफिशियल भी होगी और रिटेलर के लिए भी फ्रूटफुल होगी